ऐसी और नई रेसिपी के लिए इस लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। किंचो फ्रेंड्स, मेरी चैनल फूड वॉलेट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, त्योहारों का दौर चल रहा है, ऐसे में हर घर में ना ट्रेडिशनल मिठाइयां तो बनती ही है और पेड़े इसमें सबसे फेवरेट होते हैं। और आज हम लेके आए हैं चॉकलेट पेड़े की रेसिपी, जो सबकी फेवरेट होती है, और वो भी हम इंस्टेंट पेड़े की रेसिपी लेकर आए हुए हैं। तो चलो फटाफट शुरू करें। चॉकलेट पेड़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने स्टोव को ऑन करके उस पर एक पैन चढ़ा दिया है। उसके लिए आपको एक मोटे तले वाला या तो नॉनस्टिक पैन चाहिए होगा। और ये इसमें ले लेंगे 2 टेबलस्पून बटर, अनसॉल्टेड बटर चाहिए दोस्तों हमें, और फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना है। अब 150 ml कंडेंस मिल्क ले लेंगे हम, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये इंस्टेंट पेड़ा बहुत ही जल्द बन के रेडी हो जाता है दोस्तों। ये 1 कप मिल्क पाउडर लिया हुआ है मैंने, इसको भी इसके अंदर डाल देंगे। वापस अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बनाने में बहुत आसान और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं दोस्तों। वैसे तो पेड़े की कोई भी रेसिपी ले लो आप तो बहुत ही लॉन्ग और लेंदी रेसिपी होती है, पर ये इंस्टेंट पेड़ा आप बनाओगे एक बार तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। धीरे धीरे सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। अब 2 टेबलस्पून दूध मैंने इसके अंदर डाला हुआ है, मिला लेंगे इसके अंदर अच्छे से। देखिए ये पूरा मिश्रण लम्स फ्री हो गया है हमारा। अब इसके अंदर डालेंगे इसको चॉकलेटी टेस्ट देने के लिए कोको पाउडर 2 टेबलस्पून। इसके साथ साथ आप वेनिला एसेंस भी ऐड कर सकते हो, कॉफी पाउडर भी ऐड कर सकते हो, पर यहाँ मैं सिर्फ कोको पाउडर का ही यूज कर रही हूँ। इससे भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट लगेगा इसका। वापस एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। धीरे धीरे मिश्रण गाढ़ा होने लगा है दोस्तों। देखिए ये जितने भी छोटे छोटे लम्स दिख रहे हैं ना, देखिए एकदम मस्त बन के रेडी हो चुका है। ये ऑलमोस्ट तैयार है। देखिए मिश्रण बीच में आ चुका है और पैन छोड़ने लगा है। स्टोव को ऑफ कर देंगे और ये मिश्रण को हम एक और बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। इसको स्टोव पे नहीं रखना है हमें, और इसे अब हल्का सा ठंडा होने देना है। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होने देंगे हम, हमारे हाथों से इनको छू सके इतना ही ठंडा होने देना है हमें। मैंने मेरे हाथों को ग्रीस कर लिया है और हमारा मिश्रण भी ठंडा हो चुका है। अब इसके इस तरह से पेड़े बना लेंगे हम, और ये फॉक्स स्पून से इस तरह से डिजाइन बना लेंगे और पिस्ता से गार्निशिंग करेंगे। इसी तरह से सारे पेड़े हम तैयार करेंगे। देखिए हमारे पेड़े रेडी हो चुके हैं, अब हम इसे सर्व करेंगे। देखिए दोस्तों, इस दशहरा पे आप अपने घर पर इस चॉकलेट पेड़े की रेसिपी को जरूर ट्राई करना और मुझे बताना कि आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आओ जाओ।